जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, गूगल पिक्सल 7 और गूगल पिक्सल 7 प्रो आज लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। और आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, क्या वाकई में हम लोगों को इन दोनों में से किसी भी फोन को खरीदना चाहिए? इनमें क्या खासियत है? क्या हम लोगों को और अच्छे ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलते हैं? चलो सब बताता हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गूगल पिक्सल 7 से। यहाँ पर आपको 6.3 इंच का एक फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। अब तुम लोग ये मत पूछने लग जाना कि सुफियान भाई ओलेड टाइप कौन सा है, कौन सा वर्जन है, गूगल बताता नहीं है यार, गूगल केवल ओलेड पैनल ही लिख देता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो बहुत बड़ा एहसान है यार। एप्पल तो वो भी नहीं देता है, गूगल तो 90 हर्ट्ज दे दिया। 10 बिट के कलर्स मिल जाएंगे, एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको 416 का PPI मिल जाएगा, PPI बहुत ही ज्यादा है यार। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, DCI-P3 कलर गैमेट, और 1000 नीट्स का आपको मिल जाएगा हाई ब्राइटनेस मोड, 1400 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। बेजलेस डिस्प्ले है, फ्लैट डिस्प्ले, नीचे थोड़ा सा चिन्ह देखने को मिलेगा और नॉर्मल सा पंचोल है। देखो यारो, डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही कड़क स्पेक्स दे देता है। 50,000 रुपए का ये फोन है और 50,000 रुपए के लेवल के स्पेक्स दे देता है। बस एक चीज छूट जाता है कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे देते तो गूगल तुम्हारा क्या जाता। लेकिन कोई बात नहीं, गूगल ब्रांड को देख के हम लोग उस चीज को इग्नोर मार देंगे, करना ही पड़ेगा, गूगल देगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, उसको इग्नोर मानना ही पड़ेगा। तकलीफ है लेकिन भाई इग्नोर कर रहे हैं। देखो यारो, जब भी गेमिंग करोगे तो थोड़ा थोड़ा स्मूथनेस वाला फीलिंग रहेगा, 90 हर्ट्ज है, स्टेबल भी UI है काफी, तो रहेगा, इतना नहीं रहेगा जो 50,000 रुपए के बाकी फोन दे देते हैं, लेकिन रहेगा। और जब भी आप कलर्स वगैरह को देखोगे तो वो ठीक रहेंगे, डॉल्बी विजन है, HDR 10 प्लस सपोर्ट है, 10 बिट के कलर्स है, तो गेम के ग्राफिक्स काफी अच्छे दिखाई देंगे, शार्प डिस्प्ले है, आउटडोर भी लेके जाओगे तो ब्राइट डिस्प्ले है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ओवरऑल एक बहुत अच्छा डिस्प्ले है, आपको ये महसूस कहीं से होने नहीं देगा कि भाई ये सस्ता फोन है, सस्ता एक्सपीरियंस है, नहीं, अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा स्मूथनेस में, समझ गए ना, 120 हर्ट्ज का लत अपने को लग चुका है। कैमरास की बात कर लें तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि पिक्सल फोन्स के कैमरास कितने बवाल होते हैं, कितने अमेजिंग होते हैं। डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। जो प्राइमरी लेंस है वो 8x जूम आपको दे सकता है, OIS का सपोर्ट भी है। और कौन सा सेंसर यूज किया गूगल, बताया नहीं है यार। वैसे सब लोग तो कह रहे हैं कि सैमसंग का सेंसर है, वैसे गूगल बताया नहीं तो हम लोग किसी की बातों पर यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। कैमरास बहुत अच्छे, मतलब कि आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस को भी कड़ी टक्कर देंगे। अब सोच सकते हो कितने अच्छे कैमरास हैं। 10.8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा, बवाल सेल्फी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, कैमरास बहुत अच्छे हैं। पिक्सल फोन्स के कैमरास ही स्पेशलिटी होते हैं और इनके बारे में अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने बैठ गया तो एक तरह से इनकी बेइज्जती है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आपस में कोलैबोरेशन करके इस प्रोसेसर को बनाए हैं, ऐसा मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो, ये गूगल का प्रोसेसर है, सैमसंग इसको बनाया है, इसका जो GPU है वो MediaTek का है, एक्चुअली में मालिक है, लेकिन सबसे पहले MediaTek के फ्लैगशिप प्रोसेसर में इंट्रोड्यूस किया गया था। समझाता हूँ, इसका नाम है टेंसर G2 प्रोसेसर, सैमसंग इसको बनाया है, 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, माली G710 MC10 का GPU मिल जाएगा। ये वही GPU है जो आपको MediaTek Dimensity 9000 Plus में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद डायरेक्टली इस प्रोसेसर में आपको दिखाई दिया है। मतलब कि गेमिंग करते वक्त आपका एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग रहेगा, गेमर्स के लिए ये फोन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गेमिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। और तुम लोगों को नहीं पता है तो Dimensity 9000 और Dimensity 9000 Plus गेमिंग करवाने के मामले में 8 प्लस जन 1 के भी ऊपर है। तो भाई यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ा है, बस यहाँ पर हीट मत होना यार तुम, क्योंकि VC लिक्विड कूलिंग भी नहीं दिया है गूगल। हाँ, दोनों ही फोन्स में VC लिक्विड कूलिंग नहीं है और सैमसंग बबुआ इसको बनाया है, तो डर तो लगा रहेगा। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट, LPDDR5 RAM टाइप, 4355 mAh बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा, 4355 mAh 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं रहेगा, 20 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, लेटेस्ट एंड्रॉइड है, 5 साल तक आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे और 4 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर मैं सही से काउंट कर रहा हूं तो। देखो, 4 साल तक तो मेजर एंड्रॉइड वर्जन अपडेट्स मिलेंगे, 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स गूगल देने को कहा है, तो मतलब कि मैं सही कह रहा हूँ। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड, NFC भी है, वाईफाई 6E भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी है, और एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और टाइटन का M2 सिक्योरिटी चिप भी देखने को मिल जाएगा आपके फोन को और भी सिक्योर बनाने के लिए, और गूगल का VPN भी सबसे पहले गूगल पिक्सल 7 और 7 प्रो से इनबिल्ट होता हुआ इंट्रोड्यूस किया गया है। गूगल का VPN मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए, सोच के देखो, आप VPN यूज करते हो, आपसे गूगल के VPN को आप
यूज कर पाओगे। पिक्सल यूजर्स यार तुम लोगों का तो जिंदगी बहुत मस्त है। हम लोग ही हैं जो दाएं बाएं वीपीएन के लिए बहुत सारे पेड ऐप्स को खरीदते हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। ये बहुत अच्छा लगा गूगल का। और भी बहुत सारे प्राइवेसी फीचर्स हैं, साइड में दिखा दूंगा, अगर वक्त मिले तो पढ़ लेना पॉज करके। तो यही है मेन स्पेसिफिकेशंस। अब बात कर लेते हैं गूगल पिक्सल 7 प्रो के बारे में। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक क्वाड एचडी प्लस एलटीपीओ ओलेड डिस्प्ले मिल जाता है। अब मेरे को यहाँ पर कुछ चीजें पता चली है। मुझे पता चला है कि ये पी ओलेड डिस्प्ले है और एलटीपीओ वर्जन 2.0 है। मुझे पता चला है, गूगल ऑफिशियली कहा नहीं, ठीक है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा, 10 बिट के कलर्स है, 1000 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, 1500 नीट्स का यहाँ पर पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। कर्व्ड पैनल है, ऊपर और नीचे आपको थोड़े थोड़े बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, पतले पतले, और छोटा सा पंचोल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 10 बिट के कलर्स मिल जाएंगे, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, Dolby Vision, DCI-P3 कलर गैमेट, Corning Gorilla Glass Victus का स्क्रीन प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और 512 का PPI है, PPI बहुत ज्यादा है। देखो यारो, ये जो डिस्प्ले है ना, ये वाकई में प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स के जैसे ही है। गेमिंग कर लो, कंटेंट कंज्यूमिंग कर लो, सभी चीजों में आपका एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल रहेगा। पहली बात तो काफी शार्प एक्सपीरियंस रहेगा। गेम्स खेल रहे हो, गेम के ग्राफिक्स डिटेल्स आपको बहुत ज्यादा कह के कहेंगे कि भाई मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूं। आपको महसूस भी होगा कि हाँ भाई क्लियर है, और स्मूथनेस वाला फीलिंग रहेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, कलर्स भी काफी अच्छे रहेंगे, नेचुरल कलर्स रहेंगे। आउटडोर भी लेके जाओगे, डिस्प्ले एकदम ब्राइट रहेगा, और स्क्रीन प्रोटेक्शन भी काफी मस्त है। गिरेगा तो टूटेगा नहीं, लेकिन गिरेगा तो दिल जरूर आपका हलक में आ जाएगा कि भाई गिर गया मेरा इतना महंगा फोन। भले ही विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन हो, 70-80 हजार रुपए पे कर रहे हो यार इसके लिए। अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। कैमरास इसके बहुत औसम है, इतने औसम है कि अभी बहुत सारे ब्रांड्स को ये परेशान करेगा, क्योंकि इसके कैमरास इतने अच्छे हैं यार। अभी सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के फोन आएंगे नेक्स्ट ईयर, उनको भी ये परेशान करेगा। आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स को तो कर ही रहा है, और आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स को तो उनको तो बीट कर दिया, उनसे ऊपर चला गया एक तरह से। तो इसके कैमरास बहुत ही बवाल है। अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बेइज्जती हो जाएगा एक तरह से इनका। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। जो 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है वो आपको दे देगा OIS के साथ 5x जूम, ऑप्टिकल जूम है, और जो 50 मेगापिक्सल का है वो 30x डिजिटल जूम दे देगा। तो भाई कैमरास तो अच्छे हैं, 10.8 मेगापिक्सल का वही सेल्फी आपको मिल जाएगा। बस हो गया। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको वही मेन स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं जो गूगल पिक्सल 7 दे देता है। बस यहाँ पर बैटरी वाले सेक्शन में चेंजेस कर दिए गए हैं। 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा आपको, 30 वॉट के वही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन 23 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी सब कुछ वही है यार, एग्जैक्टली वही है। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको गूगल का टेंसर G2 प्रोसेसर मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो पिक्सल 7 के परफॉर्मेंस वाले सेक्शन को जाके चेकआउट करो, वहां पर बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अब चलो यारो बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन्स के आपको डायनामिक्स बता देता हूँ। गूगल पिक्सल 7 आता है 8.7 mm के थिकनेस के साथ, 197 ग्राम्स इसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन थोड़ा सा पतला है। आपको मोटा ही फील होगा लेकिन थोड़ा सा पतला है और भारी है, अंदर माल मसाला है, दैट्स व्हाई। और कैमरा हाउसिंग से अगर पकड़ना चालू करोगे तो आपको और ज्यादा मोटा लगेगा, क्योंकि भाई कैमरा हाउसिंग का बम थोड़ा सा उठा हुआ है ना। गूगल पिक्सल 7 प्रो जो है वो आता है 8.9 mm के थिकनेस के साथ, 212 ग्राम्स इसका वेट है। ये तो वैसे ही है जैसे प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स होते हैं, मोटा रहेगा थोड़ा सा और आपको भारी महसूस होगा। डिजाइन वाइज बात कर ले तो यहाँ पर आपको गूगल का नया डिजाइन देखने को मिलेगा जो बहुत अच्छा लगता है, क्लासिक लुक्स देता है, साथ ही में थोड़ा सा डिफरेंट वाइब्स देने की कोशिश किया गूगल। और लगता है यार कि गूगल के फोन्स ना बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग दिखते हैं। लगता है कि हाँ भाई कुछ तो अलग यहाँ पर माल देखने को मिल रहा है अपने को, और बहुत ज्यादा हम लोगों को फ्यूचरिस्टिक लुक देने की भी गूगल कोशिश किया है, और साथ ही में क्लासिक कलर्स का भी जो ब्रांड मारा है ना वो सब मिलके इसको एकदम ऑल टुगेदर एक नया लुक देने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि भाई हम अलग हैं बाकी एंड्रॉइड फोन से, हम गूगल के फोन से। वाकई में आप इस चीज को महसूस करते होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों ही फोन देखने में एक ही जैसे हैं, बस कैमरा हाउसिंग में एक लेंस कम है एक ज्यादा है। अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में भी अवेलेबल है। अगर आगे की बात कर ले तो मुझे गूगल का ये बात बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने नॉन प्रो मॉडल्स में भी बहुत ज्यादा ध्यान देता है, वो भेदभाव नहीं करता जैसे बाकी ब्रांड्स करते हैं, जैसे कि एप्पल करता है। अपने नॉन प्रो मॉडल्स में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ज्यादातर प्रो मॉडल्स में ही इनोवेटिव चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस बार आपको डायनेमिक आइलैंड ही मिल गया प्रो मॉडल्स में, जबकि नॉन प्रो मॉडल्स में कुछ मिला ही नहीं।
लेकिन गूगल थोड़ा डिफरेंट है यार, वो अपने पिक्सल 7 को भी वही सारी चीजें दिया जो पिक्सल 7 प्रो को दिया, बहुत ही कम यहाँ पर चेंजेस किया है, जैसे कि स्क्रीन साइज को ही देख लो, दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम स्क्रीन साइज और सेम फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं, बस आपको पिक्सल 7 प्रो कर्व डिस्प्ले दे देता है और पिक्सल 7 फ्लैट डिस्प्ले के साथ है, और स्पेसिफिकेशंस वाइज भी बहुत हद तक दोनों स्मार्टफोन सेम है, केवल बैटरी सेक्शन में ही कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं और कैमरास में एक कैमरा कम है, बाकी सब कुछ तो वही है यार। देखिए गूगल कितना ज्यादा हम लोगों के साथ अच्छा वाला व्यवहार करता है। बिल्ड वाइज बात कर लें, दोनों स्मार्टफोन्स ग्लास बॉडी के साथ आते हैं, एल्युमिनियम फ्रेम मिल जाता है, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, IP68 का रेटिंग दोनों स्मार्टफोन्स में है। अब चलो यार बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन्स आज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, आज से इनका प्री ऑर्डर चालू हो गया है, आप फ्लिपकार्ट पे जाके कर सकते हो, नहीं तो गूगल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, गूगल स्टोर। अब प्राइसिंग की बात करते हैं, मैं आपको जो प्राइसेस बताया था डेढ़ महीने पहले वही प्राइसेस पे लॉन्च हुए हैं। गूगल पिक्सल 7 में कहा था ना आपको दिखाई देगा 50-60 हज़ार रुपए के आसपास, और गूगल पिक्सल 7 प्रो 80-90 हज़ार रुपए के आसपास, तो मेरा बात एकदम सही निकला। गूगल पिक्सल 7 का प्राइस इंडिया में है, वैसे दोनों स्मार्टफोन्स के एक ही रैम वेरिएंट्स है, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीस बैंक ऑफर लगा दोगे, और स्पेशल प्राइस अगर आप देखोगे, मतलब कि स्पेशल प्राइस है इसका, स्पेशल प्राइस ही आपको हर जगह दिखाई देगा, 50,000 रुपए, हाँ इसका यही स्पेशल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है इसका 60,000 रुपए, शायद आपको नहीं पता होगा। वहीं अगर गूगल पिक्सल 7 प्रो की बात कर लें तो 12128, हाँ यार सुनने में अजीब लग रहा है, 12256 होना चाहिए था, जिसका प्राइस है 85,000 रुपीस, ऑफर्स वगैरह लगा दोगे तो 70,000 रुपए का मिल जाएगा। तो आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं, आपके क्या रिएक्शन है, ओपिनियन है, कमेंट करके बताओ। अब चलो यार बात कर लेते हैं, क्या वाकई में हम लोगों को इन दोनों में से किसी भी फोन को खरीदना चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स हैं? देखो यारो, पहले आप अपना एम सेट करो कि आपको चाहिए क्या अपने फोन से, आपका बजट है 50-60 हज़ार रुपए, आप एक अच्छा फोन खोज रहे हो तो पिक्सल 7 एक अच्छा फोन है, इसको खरीद सकते हो। इसका मेन सेलिंग पॉइंट है इसके कैमरास, दोनों फोन्स के कैमरास बहुत ही बेस्ट है, यही इनका सेलिंग पॉइंट है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस को देखोगे तो इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन जो ब्रांड है वो गूगल है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दोनों फोन्स अच्छे हैं, खरीद सकते हो, लेकिन पूरी बात सुनो, अपने दिमाग में यह बात जरूर बैठा लेना कि मुझे गूगल का फोन चलाना है, फ्लैक्सी फोन चलाना है, इसलिए मैं इसको खरीद रहा हूं। खुद को यह मत कहना कि इसके कैमरास अच्छे हैं इसलिए मैं ले रहा हूं, नहीं, कैमरास तो इसके अच्छे हैं ही, लेकिन बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका डिसीजन बदलने लग जाएगा दोनों ही फोन्स के, क्योंकि कंपेटिटर्स पे ध्यान दोगे, एग्जांपल के लिए पिक्सल 7 के आमने सामने है आईफोन 13, उसके भी तो कैमरास अच्छे हैं, उसके भी तो स्पेक्स अच्छे हैं, एप्पल का फोन है तो आप उसके तरफ भी तो जा सकते हो, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि भाई दोनों फोन्स के कैमरास अच्छे हैं लेकिन स्पेसिफिकेशंस बाकी इतने कुछ खास नहीं है, आईफोन 13 के बाकी स्पेसिफिकेशंस कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो यहां पर घूम फिर के मुद्दा वही आ जाता है कि हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमको कैमरा अच्छे चाहिए और साथ ही में हम लोगों को गूगल का फोन चाहिए, तो ही आप पिक्सल 7 को जाके खरीदना। और पिक्सल 7 प्रो की बात कर ले, वो 85,000 रुपए का फोन है, वहां पर और भी तो कंपेटिटर्स है, जैसे कि आईफोन 13 प्रो सीरीज को देख लो, आईफोन 14 प्रो सीरीज को देख लो, आने वाले टाइम में सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा भी होगा, S22 अल्ट्रा तो है वहां पर, वो भी तो बहुत अच्छे कैमरास वाले फोन्स हैं, वो तो मेन स्पेसिफिकेशंस भी काफी अच्छे दे देते हैं गूगल पिक्सल 7 प्रो से, और भी बहुत ही अच्छे इनोवेटिव डिस्प्ले स्पेक्स के साथ आते हैं, तो आप उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हो? आप क्यों गूगल के पिक्सल 7 प्रो के साथ जाना चाहते हो? क्योंकि आपको गूगल का एक प्रीमियम फ्लैक्सी फोन चलाना है, इसी वजह से। तो अभी भी कह रहा हूं, इन दोनों में से किसी भी फोन को खरीदोगे दोनों बेस्ट फोन्स हैं, लेकिन अपने दिमाग में यह बात बैठा लेना कि मेरे को गूगल का ही फ्लैक्सी फोन चाहिए, चलाना वही है मुझे, इसी वजह से मैं ले रहा हूं। आई होप सो कि तुम लोग समझ गए होगे। चलो यारो, विद दैट बीइंग सैड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को दबा के वीडियो को लाइक कर देना। मुझसे अगर बात करना चाहते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा @realsufyanxan। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।